आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आतिशी ने शुक्रवार दोपहर कहा था कि 15 अप्रैल यानी शनिवार से दिल्ली के लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। इस ऐलान के बाद कहा जा रहा था कि अब दिल्ली में रहने वाले करीब 46 लाख परिवारों के सस्ती बिजली वाले दिन जो है खत्म होने वाले हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है शाम को खबर आई कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी जारी रखने की फाइल पर साइन कर दिया है, यानी अब दिल्ली में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। आतिशी ने आरोप लगाया था कि सब्सिडी की फाइल जो है एलजी साहब अपने पास रख कर बैठ गए हैं और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। वहीं एलजी ऑफिस का कहना है कि उपराज्यपाल ने गुरुवार को ही जो है फाइल पर दस्तखत कर दिए थे, शुक्रवार सुबह फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई थी, उसके बाद भी ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। जबकि दिल्ली सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि आतिशी के मुद्दा उठाने के बाद फाइल को मंजूरी दी गई है। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दिन में दिल्ली एलजी ऑफिस ने कहा था कि ऊर्जा मंत्री को गैर जरूरी राजनीति और एलजी पर झूठे आरोप लगाने से बचना चाहिए, उन्हें लोगों को झूठे बयानों से गुमराह नहीं करना चाहिए, उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि जब लास्ट डेट 15 अप्रैल रखी गई थी तो 4 अप्रैल तक इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, एलजी को ये फाइल 11 अप्रैल को क्यों भेजी गई, 13 अप्रैल को एक चिट्ठी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ड्रामे की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली पर फुल सब्सिडी है, यानी इतनी बिजली खर्च करने पर जो बिल बनता है उसका भुगतान जो है दिल्ली सरकार करती है, यानी एक तरह से उपभोक्ता के लिए 200 यूनिट बिजली पूरी तरह से मुफ्त है। वहीं 200 से 400 यूनिट तक की जो बिजली है उस पर 50% बिल माफ है। इंडिया टुडे से जुड़े कुणाल कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार चल रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले 6 सालों में दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दिए गए 13,549 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराए जाने पर केजरीवाल सरकार की तीखी आलोचना की है। ये सब्सिडी 2016 से 2022 के दौरान दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल ने सब्सिडी को दिए जाने का समर्थन किया लेकिन ये भी कहा कि बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी दी गई है उसका हर हाल में ऑडिट होना चाहिए। एलजी का कहना है कि अगर बिजली सब्सिडी में कहीं भी चोरी हो रही है तो ऑडिट के जरिए उसे रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि साल 2014 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, तब कहा गया था कि सीएजी से बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर 2015 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों के सीएजी द्वारा ऑडिट कराने की जो दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, तब से ये मामला वहां पर पेंडिंग है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये आपके लिए तमाम जानकारी जो जुटाई थी हमारे साथी पुनीत ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।